हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी फ्रॉम ई विद्यादीन चर्च इन। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, एज यू नो हम लोग यहाँ पे स्टेम डिस्कस कर चुके हैं, लीव डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आ गए अपने लास्ट टॉपिक पे विच इज फ्लावर। सो लेट्स रीड अबाउट इट। इट इज यूजली द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, ऑल्सो कॉल्ड एज मॉडिफाइड शूट। सो पहली बात तो ऑब्वियसली हम सबको पता है फ्लावर क्या होता है। सो प्लांट का ये सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव पार्ट है। अगर आपके पास कोई भी, स्पेशली अगर रोज का प्लांट है, तो जब तक उसकी लीव्स है तब तक वो ओके ओके लगता है, लेकिन जैसे ही वो उसका फ्लावर ब्लूम करता है तो वो प्लांट कितना अच्छा लगने लग जाता है, राइट। सो फ्लावर इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट। नाउ उसको हम मॉडिफाइड स्टेम भी बोलते हैं। तो बेसिकली फ्लावर मतलब अगर आप साइंटिफिक टर्म में पढ़ो तो वो और कुछ नहीं, इट इज जस्ट अ मॉडिफाइड स्टेम ही है वो, क्योंकि है तो प्लांट का पार्ट ही, करेक्ट। Then, sepal, petal, stamen and pistil are the main parts of flower. So, ये सारे जो मैंने अभी नाम लिए, ये सब फ्लावर के मेन पार्ट है। यहाँ पे मैंने ट्राई किया है फ्लावर की आपके लिए फिगर बनाने के लिए। सो यहाँ पे ये जो पार्ट है, दिस इज स्टेमन, इसके अंदर दो चीजें आ गई, एक ये ऊपर वाला ये जो बड सा बना हुआ है एंड ये लाइन सी है जो आप उसे कह सकते हो। सो इसमें दिस इज एंथर एंड दिस इज फिलामेंट। अभी हम आगे जाके इनको भी पूरे अच्छे से डायग्राम्स में एक्सप्लेन करेंगे। देन दिस पार्ट, ये जो यहाँ पे फ्लावर का वो होता है, यहाँ पे ये जो पार्ट है दिस इज पिस्टल। अब इसके अंदर भी देयर आर थ्री थिंग्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अगेन इसकी भी फिगर हम पूरी अलग से करेंगे। देन दिस पार्ट, ये तो पेटल से, आई होप सबको पता है भाई फ्लावर्स होती है, करेक्ट। सो ये सारे जो भी पार्ट मैंने आपको बताए, इनकी हम डेफिनेशन के साथ इनको एक एक करके समझते हैं।